आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक गाउस की प्रमेय, या फिर इसको गाउस का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार से कि आपका गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिवर्तित नेट वैद्युत आवेश के बीच एक संबंध बताया था, इसी को गाउस की प्रमेय कहते हैं। तो गाउस के अनुसार क्या है कि कोई बंद पृष्ठ है, किसी भी शेप का हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारा आपका आपने Q1 आवेश दिया, Q2 दिया, Q3 दिया, Q4 दिया, Q5 दिया। तो अब ये आवेश है तो इससे क्या गुजरेगा, आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस बंद पृष्ठ से फाई ई, वो क्या होगा, इन टोटल चार्जेस का सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो का गुना होगा, यानी टोटल चार्ज का क्या होगा आपका, एप्सिलॉन जीरो गुना होगा, यानी सिग्मा क्यू इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सिग्मा क्यू का मतलब सबको जोड़ दिया आपने, जितना भी आपका इसके अंदर आवेश है। ठीक हो गया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, वाई अथवा निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, फाई यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर आपका सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जितना उस बंद पृष्ठ के अंदर है। तो फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर आपका इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो इसकी जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं, तो फाई बराबर, ये दोनों बराबर हुए तो फाई इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर आपका सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये भी सही है और ये भी सही है, आपकी इसी को बोलते हैं आपकी गॉस की प्रमेय। एप्सिलॉन जीरो जो आपको पता है कि वाई या निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता। अब हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या कि माना ये कोई हमने क्या लिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू बिंदु वो लिया हुआ है। ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर हमने क्या लिया, कोई पी पॉइंट लिया हुआ है आर मीटर की दूरी पर। इससे ये कोई पॉइंट चार्ज है बिंदु ओ पर है, इससे हमने प्लस क्यू चार्ज है। इससे आर मीटर की दूरी पर हमने क्या लिया, कोई पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू जीरो, जो बिंदु पी पर स्थित है। इससे गुजरता हुआ आर दूरी का, या फिर इस चार्ज से गुजरता हुआ क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसको गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, जो इस आवेश से होकर जाए, जो इस आवेश को क्या कर दे, परिबद्ध कर दे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम क्या लेते हैं, एक अल्पा, ये इसका एरिया कितना हुआ आपका, ए हुआ, बड़ा सरफेस है, ये स्पीयर है, एक गॉसियन पृष्ठ की आपका एक स्पीयर के रूप में। ठीक है, क्योंकि वो 3D होता है। उसके बाद इस पर हम क्या किया आपने, एक अल्पा क्षेत्र पर इसका एरिया ये है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ आपका, अब इस डी ए अल्पांश क्षेत्र में जो अवयव लिया हुआ है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा आपका, बाहर की ओर होगा, वो क्या होगा डी ए वेक्टर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये चार्ज जो है पॉइंट चार्ज, ये जो प्लस क्यू जीरो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इस पर क्या लगा रहा होगा आपका, फोर्स लगा होगा, रिपल्सन फोर्स बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी आपकी, बाहर की ओर होगी, जहाँ की ओर फोर्स लगेगा आपका वहाँ पर क्या लगेगा आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो अब वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच क्या थीटा क्या हो गया आपका, 0° का हो गया है। ठीक हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जितना भी आपका वो निकलेगा वैद्युत क्षेत्र, हर पॉइंट पर क्या होगा, इस पर स्पीयर के हर पॉइंट पर क्या होगा आपका, बराबर होगा। क्यों, अब मैंने इन पॉइंट, अगर मैं एक डी एल पास यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, कहीं पर भी आप ले सकते हैं डी एल पास क्षेत्रफल का अवयव ले सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला जो अवयव है वो भी आठ मीटर की दूरी पर है, यहाँ भी आठ मीटर की दूरी पर, यहाँ पर भी आठ मीटर की दूरी पर है। ये सब क्या, जितने भी आप क्या लोगे अल्पांश क्षेत्र वाला अवयव लोगे इसके पृष्ठ पर, वो क्या होंगे, आठ मीटर की दूरी पर है। तो सभी अल्पांश क्षेत्र वाला अवयव पर, सभी पॉइंट पर क्या होगा आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण हो क्या होगा आपका, बराबर होगा। और सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सबकी आपकी बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स कहाँ लगेगा आपका, बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, सबके लिए बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इस टोटल सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। पहले हम एक अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे के लिए निकालेंगे, चौथे के लिए निकालेंगे, पांचवे के लिए निकालेंगे, और इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल सर्फेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन हम एक ही सर्फेस ले रहे हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल अलवाई ले रहे हैं, फिर उसका क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल सर्फेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, माना वो बिंदु पर एक विद्युत आवेश प्लस क्यू निर्वात या वायु में रखा गया है, इससे आठ मीटर की दूरी पर, आठ मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर है, इस आवेश को घेरते हुए इसके चारों ओर आठ इंच का गॉसियन पृष्ठ खींचा, इससे गुजरता हो जाना चाहिए, बिंदु पी पर होकर जाता है, बिंदु पी पर आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा आपका,
रिपल्सन फोर्स लगा, जहाँ की ओर रिपल्सन फोर्स लगेगा वहाँ पर वहाँ की ओर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी प्रकार गॉसियन पिस्ट के सभी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। अब हम यहाँ पर भी ले रहे हैं, यहाँ पर भी ले रहे हैं, सभी में ले रहे हैं, तो क्या गॉसियन पिस्ट पर यानी इन पॉइंटों पर क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण क्या होगा, आपका बराबर होगा, क्योंकि सभी की डिस्टेंस क्या आपकी इन सभी की डिस्टेंस क्या होगी आपकी आर मीटर की दूरी पर ही होगी। तो माना बिंदु की परिधि आपका अल्पांश क्षेत्रफल अवयव डी ए तथा क्षेत्रफल सदिश पिष्ट के लंबवत बाहर की ओर है, सभी पर क्या होगा आपका बाहर की ओर होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो ई और वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच का एंगल कितना आपका थीटा जीरो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमेशा जब भी हम आपको गॉस के अनुप्रयोग करेंगे पहले अल्पांश क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उस टोटल के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही निकाला, इस अल्पांश क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये कितना हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना आपका ई और डी के बीच में, वो क्या आपका जीरो, तो कितना हो जाएगा आपका ई डी। ठीक है, उसके बाद डी फाई बराबर आपका ई डी ए हुआ। अब हम संपूर्ण पिस्ट से निकाल लें तो क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन किया, फाई बराबर आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, ई डी ए का ई डी ए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परिमाण वो है कॉम वो नियत है, तो इलेक्ट्रिक ये बाहर आ गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक है, डी ए का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब ये है कि एक छोटे भाग का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक बड़ा भाग होगा। ठीक है, फाई बराबर कितना हो जाएगा आपका ए, ए क्या आपका यहाँ पर स्फीयर का क्या आपका क्षेत्रफल, इसका मान रखा है 4πr², इसका मान रख दिया 4πr². ठीक है, तो अब एक समीकरण, इसको हमने समीकरण एक मान लिया। अब यहाँ पर क्या निकाला हमने कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर मीटर की दूरी पर अगले दूसरे पॉइंट पर क्या होता है आपका, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने पहले डेरिवेशन कर चुके हैं, यानी एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो निकाला है, तो कितनी होती है आपकी ई बराबर आपका 1/4πε0Q/r² आर डिस्टेंस है, तो इसका मान हमने कहाँ रख दिया है, इस वाले यहाँ पर रख दिया, तो 1/4πε0Q/r² × 4πr², ये कट गए हैं, तो कितना बच गया फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/0Q0, ये आपकी गॉस की में प्रूफ हो जाती है।